को लेकर जवाब देते हुए नजर आ रहे थे या समूची कांग्रेस पार्टी या विपक्ष को जवाब देते नजर आ रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज सीकर के दौरे पर रहे। उन्होंने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बेटे के वैवाहिक समारोह में हिस्सा लिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन को उन्होंने जनता के लिए और वोटर्स के तरफ से दिया गया सम्मान बताया, सरकारी योजनाओं की सफलता बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। आम जनता का, मतदाताओं का आशीर्वाद रहा है, कार्यकर्ताओं का उससे से कुछ सारे काम करना काम आया और बहुत बड़ी विजय हुई है और परिणाम आएंगे कल, लोग देखेंगे अधिकांश जगह पर कांग्रेस जीतेगी और जीते स्वाभाविक भी है। तमाम पार्टियों की फंडिंग को आप ब्लॉक कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, आप हमें चंदा दो या नहीं तो कोई बात नहीं, पर आपने अपोजिशन पार्टियों चंदा क्यों दिया? ये परंपरा पहली बार हम देखने को मिल रही है। इस प्रकार से अगर शासन करेंगे लोग दबाव में, आपको मालूम ईडी भी, सीबीआई भी और इनकम टैक्स दबाव में ही, जुडिशरी, तो देश की दिशा में जाएगा। आप देना चाहिए लोगों को, इसलिए बहुत ही हालात खराब है, गंभीर स्थिति में देश गुजर रहा है। आम जनता को मैं अपील करना चाहूँगा कि और छात्रों को, नौजवानों को, समय रहते हुए समझ जाओ अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, उसके बाद में अपनी सोच बनानी चाहिए। मेरी नौजवानों से अपील है।